ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 11 अगस्त 2024 के मुरली बाप दादा का मधुर महावाक्यों में पांच मुख्य बातें याद रखेंगे। पहला है, समय प्रमाण स्वराज्य अधिकारी बन, सर्व रूहानी साधन तीव्र गति से कार्य में लगाओ। दूसरा, इस समय जितना स्वराज अधिकार अनुभव करते हो उतना ही भविष्य विश्व राज्य अधिकारी है ही है। तीसरा, इन कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारी मन बुद्धि संस्कार रूपी सहयोगी साथियों पर राज्य करना, अधिकार से चलाना। चौथा, स्वयं को निमित्त समझ, व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ वृत्ति से मुक्त रहने वाले विश्व कल्याणकारी बनो। पांचवा, अज्ञान की शक्ति क्रोध है और ज्ञान की शक्ति शांति है। 5 पॉइंट्स, स्वराज्य अधिकारी, भविष्य विश्व राज्य अधिकारी, कर्मेंद्र रूपी कर्मचारी, विश्व कल्याणकारी, ज्ञान की शक्ति, शांति। आज का चिंतन, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी ज्योति बिंदु हूँ। मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा ज्योति हूँ, परम प्यारे अति प्रिया शिव पिता का संतान हूँ। मैं आत्मा प्यारे बाबा, आपने आकर आपने अपना परिचय दिया है, मेरा सच्चा परिचय दिया है। सृष्टि का आदि मध्य अंत का रहस्य, ज्ञान का राज, सृष्टि चक्र का राज समझा दिया। मैं कितना भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, कर्मेंद्रियों का मालिक हूँ। मैं आत्मा वर्तमान समय स्वराज्य अधिकारी, भविष्य विश्व राज्य अधिकार प्राप्त करेंगे। मैं कर्मेंद्रियों का मालिक हूँ, मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अधिकारी हूँ। मैं अधिकारी आत्मा हूँ, मैं आत्मा निमित्त हूँ, व्यर्थ संकल्प व्यर्थ वृत्ति से मुक्त हूँ। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा, मेरा स्वधर्म शांति है। मैं आत्मा शांति का सागर, प्यारे पिता का अति प्रिय संतान हूँ। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी, भविष्य विश्व राज्य अधिकार प्राप्त करने वाले कर्मेंद्रियों का मालिक, मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी हूँ। मैं शांत स्वरूप शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा मन और बुद्धि के द्वारा 1 सेकंड में मेरा निज धाम पहुंच गया हूँ। सूर्य चांद सितारों से भी ऊपर, आकाश तत्वों से भी ऊपर, सूक्ष्म लोक से भी ऊपर मेरा निज धाम स्वयं प्रकाशित लोक में, सुनहले लाल दुनिया हीरे समान चमक रहा है। शांति धाम में मैं आत्मा शांत स्वरूप बिंदु रूप में चमक रहा हूँ। मेरा अति प्यारा पिता बाबा बिंदु रूप में चमक रहा है, कशिश कर रहा है। ओ प्यारे बाबा, जन्म जन्मांतर से आपको ढूंढा, आपको प्राप्त करने के लिए भक्ति किया, भक्ति का फल सच्चा ज्ञान आपने आकर सिखाया। मैं धन्य धन्य हो गया हूँ बाबा। बाबा, मैं आपके साथ रहता हूँ, आपसे संपूर्ण शक्तियों को प्राप्त कर रहा हूँ। मैं आत्मा परम धाम में परम प्यारे पिता के साथ हूँ।
दैव भी बिंदु, बाबा भी बिंदु, बाबा को टच किया, अपार शक्ति प्यार अनुभव कर रहा हूँ। फिर इस साकार सृष्टि पे आया, मस्तक सिंहासन पर बैठ शक्तिशाली प्रकंपन फैला रहा हूँ। सभी आत्माओं को मनसा द्वारा मैसेज दे रहा हूँ कि आत्माएं जागृत हो जाइए, हम सभी आत्माओं का पिता परमात्मा इस धरा पर आ चुका है। कलयुग अंतिम समय में जहाँ देखो वहाँ अशांति, दुख, कलह, क्लेश, तो भगवान आकर मनुष्यात्माओं को सच्चा ज्ञान और सहज राजयोग सिखा रहा है। आइए सच्चा ज्ञान और सहज राजयोग से जन्म जन्मांतर का भाग्य बना लीजिए, अब नहीं तो कभी नहीं। याद रखिए, ओम शांति।